myself Dr. D.K. Jain. मैं गवर्नमेंट पॉलिटिकल बारे में प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे ICIE के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं ICIE का मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन, और जितने भी ऑटोमोबाइल व्हीकल हम काम में ले रहे हैं उनमें हम इंजन को काम में लेते हैं। ये ICIE दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं पेट्रोल इंजन और दूसरे प्रकार के इंजन होते हैं डीजल। ये इंजन एक पर्टिकुलर साइकिल पे काम करते हैं। यदि हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये ऑटो साइकिल पर काम करते हैं। जितने भी पेट्रोल इंजन हैं, यहां पर साइकिल का मतलब है नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन ए सीक्वेंस जो किसी भी इंजन को चलाने के लिए पावर प्रोड्यूस करने के लिए आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार से हम किसी भी पावर प्लांट पे इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं, उसी प्रकार से इंजन के माध्यम से हम मैकेनिकल पावर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस मैकेनिकल पावर का हम कई सारी जगह उपयोग कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, पर अभी हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं उसका रिलेशन ऑटो सेक्टर से है, ऑटोमोबाइल से। दूसरे प्रकार के इंजन डीजल इंजन है। ये डीजल इंजन जिस साइकिल पर काम करते हैं उसे हम डीजल साइकिल कहते हैं। तो आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे डीजल साइकिल पर। इस डीजल साइकिल को यदि हम पीवी डायग्राम पर बनाए तो इसके प्रोसेस को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। डीजल साइकिल को हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि साइकिल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस साइकिल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीवी डायग्राम के ऊपर। यहां हम देख रहे हैं कि जीरो सबसे पहले हमने मार्क किया है, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर फोर। इस साइकिल को जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर डिफरेंट प्रोसेसेस दिखाया गया है। जैसे जीरो से वन, इसे हम सक्शन कहते हैं, ये सक्शन प्रोसेस क्या है। सक्शन प्रोसेस के बाद फ्रॉम वन टू टू जो आपको प्रोसेस दिखाई दे रहा है इसे हम कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन के बाद पॉइंट नंबर दो से तीन के बीच में जो आपको प्रोसेस दिखाई दे रहा है ये प्रोसेस इग्निशन कहलाता है, इग्निशन प्रोसेस। पॉइंट नंबर थ्री से फोर तक जो प्रोसेस है इसे हम एक्सपांशन कहते हैं, दैट इज एक्सपांशन प्रोसेस, एक्सपांशन प्रोसेस। और पॉइंट नंबर फोर से वन तक जो प्रोसेस है, पॉइंट नंबर फोर टू वन, इसे एग्जॉस्ट। इस प्रकार से डीजल साइकिल में ये साइकिल सक्शन प्रोसेस से शुरू होता है, सक्शन के बाद कंप्रेशन, इग्निशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। इन सारे प्रोसेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो एक्सपांशन प्रोसेस है, जिसमें हमें मैकेनिकल वर्क मिलता है और इसे हम डब्ल्यू इसे डिनोट कर सकते हैं। इंजन को जो हीट सप्लाई की जाती है वो प्रोसेस है टू टू थ्री, जहां पर इंजन को हीट सप्लाई की जाती है। प्रोसेस फोर से वन के बीच में हीट का रिजेक्शन होता है, इसे हम टू टू कहते हैं, और हीट सप्लाई को हम टू वन से डिनोट करते हैं। प्रोसेस वन टू जो की कंप्रेशन प्रोसेस है, और कंप्रेशन प्रोसेस में हमें वर्क देना पड़ता है, इसलिए इसको
डब्ल्यू सी कहते हैं। तो इस साइकिल से जो नेटवर्क मिलेगा ये डब्ल्यू ई और डब्ल्यू सी का डिफरेंस होगा, ये इस साइकिल से मिलने वाला आउटपुट होगा। और चूंकि कितनी भी डीजल इंजन हैं वो इस साइकिल पे काम करते हैं, इसलिए यदि हमें किसी भी डीजल इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो हमें इस साइकिल का उपयोग करना होता है। इस साइकिल के माध्यम से जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं उसे हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कहते हैं, इट इज नॉन एज एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। इस एफिशिएंसी के कैलकुलेशन के टाइम हम होने वाले डिफरेंट लॉसेस को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए यह इस इंजन की आइडियल एफिशिएंसी होती है जिसे हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कहते हैं। जब भी हम किसी मशीन की एफिशिएंसी निकालते हैं तो हम लिखते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। इस साइकिल के रेस्पेक्ट में यदि हम आउटपुट की बात करें तो वो वर्क होगा डब्ल्यू, और इनपुट की बात करें तो ये हीट सप्लाई, इनपुट विल बी हीट सप्लाई। तो इस तरह से हम डीजल साइकिल की एफिशिएंसी को इस फॉर्मूले की सहायता से लिख सकते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट मींस वर्क फ्रॉम द इंजन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। यहां हम जो नेटवर्क की बात कर रहे हैं डब्ल्यू एन, ये डब्ल्यू एन हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड के बराबर होगा। कितनी हीट हमने इंजन को दी और उसका कितना पार्ट रिजेक्ट हुआ, ये जो एग्जॉस्ट प्रोसेस दिखाया गया है यहां पर हीट का रिएक्शन होता है। तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी की हम बात करें तो हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड ये नेटवर्क मिलेगा, और इट मस्ट बी डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई दैट इज इनपुट टू द इंजन। इस प्रकार से हम डीजल इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजल्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। हीट सप्लाई को हम Q1 से डिनोट करते हैं और हीट रिजल्टेड को Q2 से डिनोट करते हैं। तो यदि इसे हम हीट के फॉर्म में लिखें तो विल बी Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब हमें जो हीट सप्लाई की गई है इसे टेम्परेचर के रूप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो नॉन पैरामीटर्स यहां पर होंगे वो डिफरेंट पॉइंट के टेम्परेचर्स होंगे, प्रेशर होंगे, और उसके साथ कुछ रेशियोज होंगे जिन्हें हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए काम में लेते हैं। तो रेशियो को लाने से पहले हम बात करेंगे हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड की, क्योंकि यहां पर हम प्रोसेस 2-3 के बीच में हीट सप्लाई कर रहे हैं, और हीट सप्लाई का सिंपल फॉर्मूला है Q इक्वल्स MCP डेल्टा T। यहां पर हम CP इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट बाय कांस्टेंट प्रेशर कहलाती है, और IC इंजन में ये जो हीट सप्लाई की जा रही है डीजल साइकिल में ये कांस्टेंट प्रेशर पर। आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है जिसमें प्रेशर मार्क कर रहा है वहां पर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट करती है कि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, और इसीलिए डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहा जाता है, इज नॉन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। क्योंकि इस साइकिल में जो इंजन को हीट सप्लाई की जाती है वो कांस्टेंट प्रेशर की जाती है, प्रोसेस टू थ्री एंड कांस्टेंट